नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लग पर। दोस्तों आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे PTT काउंसलिंग 2020 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, BEd 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए PTT की काउंसलिंग का प्रोसेस कल से स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एक चिंता की बात यह है कि कई सारे मित्र बंधुओं भाई बहनों का फाइनल यानी अंतिम वर्ष का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे में उन सभी स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा, उन्हें क्या करना चाहिए, और उसी के साथ कई सारे स्टूडेंट्स के अंतिम वर्ष का परिणाम तो आ चुका है लेकिन परिणाम बहुत ही ज़्यादा बेकार आया है, उन्हें एक या दो विषय में बैक दे दी गई है। तो ऐसे में इन सभी छात्रों का क्या होगा, यानी हजारों विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो संकट की स्थिति में है। फ्रेंड्स बात करेंगे आज के स्टूडियो में इस बारे में, पूरी संपूर्ण जानकारी आज के स्टूडियो में आपको दी जाएगी। क्या बिना परीक्षा परिणाम काउंसलिंग संभव? चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, आप चैनल जॉब लग पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इसी तरह की सही तथा सटीक जानकारी की वीडियोज की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई किन यूनिवर्सिटीज का जो अंतिम वर्ष का परिणाम अभी तक नहीं आया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने करीब 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपके अंतिम वर्ष के परिणाम हैं JNU के, वो सभी के आ चुके हैं। BA, BSc, BCom इन सभी कोर्सेज के लिए अंतिम वर्ष के परिणाम आ चुके हैं। और उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के बाहर आ गई और इन कमेंट्स में बताया गया कि सर निम्न यूनिवर्सिटीज़ की जो भी हैं ये हमारे अंतिम वर्ष के परिणाम नहीं आए हैं। तो ये सभी आप कमेंट्स इन सभी स्टूडेंट्स की देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे कमेंट्स किए हैं। और इन्हीं कमेंट्स के आधार पर मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ कि भाई अभी किन यूनिवर्सिटीज़ के अंतिम वर्ष के परिणाम नहीं आए हैं। तो कोटा यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष के परिणाम नहीं आए हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसके बाद महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, उसके बाद शेखावटी यूनिवर्सिटी, उसके बाद भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी, उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी यानी BA यूनिवर्सिटी जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, PDSU सीकर, महाराजा सूरजमल प्रिंस यूनिवर्सिटी, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अजमेर अलवर सॉरी। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो अंतिम वर्ष के परिणाम हैं जो अभी तक इन यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक जारी नहीं किए हैं। और उसी के साथ फ्रेंड्स इनके अलावा कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में अगर आप अध्ययनरत हैं, यदि आपके अंतिम वर्ष का परिणाम नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, सवाल ये उठता है कि क्या सर फाइनल ईयर के रिजल्ट के बगैर काउंसलिंग करवाई जा सकती है? तो इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको PTT की ऑफिशियल वेबसाइट पर और देता हूँ आगे की पूरी जानकारी। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि आप सभी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? कारण कुछ भी नहीं है, ना तो आपके यूनिवर्सिटी की गलती है, ना ही किसी अन्य की गलती है, ना ही PTET की गलती है, क्योंकि PTET को अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया समय पर करवानी ही होगी। और उसी के साथ आपकी यूनिवर्सिटी भी क्या कर सकती है, आपके एग्जाम्स भी लेट हुए थे तो उस संबंध में आपके रिजल्ट्स भी लेट आने की संभावना है। और इसी के चलते फ्रेंड्स PTET की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अंतिम वर्ष का अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपकी काउंसलिंग नहीं होती है। विथ प्रूफ मैं आपको 2 मिनट के बाद इसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंच सकती है, PTET तक पहुंच सकती है और आपकी संबंधित यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच सकती है, जिससे आपका भविष्य संकट की स्थिति में आने से बचाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स मैं ले चलता हूं आपको PTET की गाइडलाइन पर और देता हूं अगर आपके फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है तो क्या आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं PTET की जनरल गाइडलाइन के पेज पर, जो कि आपकी जनरल गाइडलाइन जारी कर रखी है 2020 की परीक्षा के संदर्भ में। बिल्कुल क्लियरली मैं यहां पर आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं, तो अच्छे से वीडियो को देखते रहिएगा। फ्रेंड्स यहां पे आप जैसा कि देख सकते हैं इसके बिंदु संख्या 3 में क्या लिखा है, BA, BSc, BCom शिक्षा शास्त्री परीक्षा के अंतिम वर्ष या MA, MSc, MCom आचार्य के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी PTET 2020 परीक्षा हेतु योग्य हैं, यानी अपेयरिंग यानी फाइनल ईयर में जो भी स्टूडेंट्स हैं वे केवल PTET की परीक्षा में बैठ सकते हैं, जो कि अब कभी का बैठ चुके हैं और आपका उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। बशर्त यानी शर्त क्या है
कि वे काउंसलिंग में पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, काउंसलिंग में पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व अर्हता परीक्षा की अंक तालिका प्राप्त कर लें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस लाइन के अंतर्गत मैंने आपको बताई है कि काउंसलिंग में पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व अर्हता परीक्षा की अंक तालिका प्राप्त कर लें। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे साफ और स्पष्ट लिखा है कि इंटरनेट की अंक तालिका के आधार पर प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा और आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहने की बात ये है, देखने की बात ये है कि फ्रेंड्स अगर आपका फाइनल का रिजल्ट आ चुका है और साथ ही आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपके पास है, तब भी आप पीटीटी में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ऐसा कौन कहता है, ऐसा पीटीटी की खुद की गाइडलाइन कहती है। यानी फ्रेंड्स साफ और स्पष्ट सी बात है कि जब तक आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका यहाँ पे दाखिला होता है उसमें आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दिखाते हैं तब तक आपका यहाँ पर एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि भाई अगर पीटीटी को यहाँ पे एडमिशन लेने हैं तो पीटीटी को इस बात से तो मुकरना ही पड़ेगा कि भाई जैसे भी अंक तालिका होगी आपके पास एक बार उसे चला दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बात ये है कि कोविड-19 की वजह से किसी भी यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है वो ना तो टाइम पर आया है ना ही उसके किसी छात्र को यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक प्राप्त हुई है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और आप समझ लीजिए कि पीटीटी बिल्कुल पूरा अधिकार रखती है समय पर काउंसलिंग करवाने का, और साथ ही अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो पीटीटी आपका जो एप्लीकेशन है काउंसलिंग का वो निरस्त कर सकती है, आपको एडमिशन नहीं दे सकती है और इसके लिए पीटीटी बिल्कुल भी बाध्य नहीं होगी। फिर से यहाँ पर मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे इस जनरल गाइडलाइन के नीचे योग्यता नियमों पर स्पष्टीकरण के पेज पर इसके अंतर्गत बिंदु संख्या इस 5 के अंतर्गत जो बात लिखी गई है वो मैं आपको पढ़कर सुना दूं। जो अभ्यर्थी पीटीटी 2020 के ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की अंतिम तिथि के समय योग्यताधारी नहीं है वे भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम काउंसलिंग में पंजीकरण की अंतिम तिथि से पूर्व उपलब्ध होना चाहिए। तो फ्रेंड्स स्पष्ट है कि कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर आपके फाइनल यानी अंतिम वर्ष का परिणाम अभी तक नहीं आया है तो आप पीटीटी की काउंसलिंग किसी भी हालत में नहीं करवा सकते पीटीटी की जनरल गाइडलाइन के अनुसार। और उसी के साथ फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो एक विषय में बैक आ गई, कई सारे कमेंट्स आए थे कल मेरी वीडियो के नीचे, तो उन्हें भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि भाई फाइनल जब तक आपका पास का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप यहाँ पे पीटीटी में काउंसलिंग नहीं करवा सकते। तो सिंपल और सीधी सी बात है कि जिनके भी यहाँ पे एक विषय में भी बैक आई है वे भी छात्र इस काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। बस इतने फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको आज की एक राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ दिखाना चाहूँगा जो कि जेएनयू के बारे में यहाँ पे आज के अंग प्रकाशित की गई है आज के पेपर में। तो इस न्यूज़ के अंतर्गत ये दे रखा है कि JNVU लॉकडाउन के बाद हो रही परीक्षाओं में कई छात्रों में फेल, बीएससी गणित व बीए इतिहास में कई छात्रों को पूरक, और ऐसे सभी छात्र जिनका यहाँ पर ये कहना है कि अंतिम वर्ष का परिणाम उनका बेकार आया है, बाकी उनके प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा बेकार परिणाम रहा है। और इसी के चलते पत्रिका ने भी अपनी पेपर के अंतर्गत यह प्रकाशित किया है कि इससे वे उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित होने के साथ ही बीएड में प्रवेश के लिए वंचित या अपात्र हो गए हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स यहाँ पे ये खबर भी प्रकाशित हुई है आप सभी के हित को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे जो कुछ ना कुछ जो परिणाम है वो यहाँ पे छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया है। और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी इन्होंने मांग की है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसका विशेष पुनर्मूल्यांकन हो यानी रीएलेशन हो, और साथ ही BA BSc BCOM प्रथम वर्ष की वरीयता सूची के उन विद्यार्थियों को प्रवेश का एक मौका दिया जाए जो दस्तावेज सत्यापन फीस भरने से वंचित रहे थे। और उसी के साथ BSc प्रथम वर्ष में गणित में FCL सेक्शन शुरू किया जाए, ये आपके लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक बड़ी बात ये निकल कर आई है कि जो अभी रिजल्ट जारी हुए हैं वो रिजल्ट छात्रों के जो आकांक्षाएं थी जो सोच थी उसके अनुरूप नहीं है, और साथ ही कई सारे छात्रों को यहाँ पर एक एक विषय में बैक दे दी गई है। तो जिनका यहाँ पे परिणाम आ चुका है, जिनका परिणाम अच्छा आ चुका है, उन्हें बहुत बहुत यहाँ पे फायदा होने वाला है बिकॉज PTT का कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन जाएगा बिकॉज कई सारे छात्र इसमें प्रवेश लेने से वंचित रह जाएंगे।
तो यथासंभव फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की है। इसकी गाइडलाइन में जो भी लिखा है, यानी ऑफिशियल जो भी जानकारी है, वो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको दी है। अगर आपके अंतिम वर्ष का परिणाम नहीं आया है, तब भी आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते, और अगर आपके किसी एक विषय में भी बैक आ गई है, तब भी आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि ये मांगता है कि आप काउंसलिंग की अंतिम तिथि से पूर्व अर्हता परीक्षा पास कर रखी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, एक डाउट मैं आपका और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि पीटीटी की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, वो आगामी करीब 20 से 25 दिन तक चलेगी, और ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स जिनका अंतिम वर्ष का परिणाम नहीं आया है, वे भी यहाँ पे काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे, क्योंकि 20 दिन के अंतर्गत तो यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज अपने परिणाम को जारी कर देगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि कई सारे स्टूडेंट्स इसकी फर्स्ट काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, तो कई सारे स्टूडेंट्स इसकी सेकेंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। तो बहुत बड़ी यहाँ पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी, जिसको आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको दिया है। बाकी फ्रेंड्स, इससे संबंधित कोई अन्य आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या तो रिप्लाई के माध्यम से, फिर वीडियो के माध्यम से आपके उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। और साथ ही इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी बात न केवल गवर्नमेंट, न केवल पीटीटी, बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी तक भी पहुँच सके कि उनके यहाँ पर परिणाम न जारी करने की वजह से आपका भविष्य संकट में है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, साथ ही इस टॉपिक पर क्या वीडियो आगे मेक होना चाहिए, इस बारे में सजेशन दें अपनी कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।